जिस चीज का आप सबको बेसब्री से इंतजार था और आप हमेशा मुझसे क्वेश्चन पूछते थे जब मैं यावी वाले चैनल में वीडियो बनाया करता था, आप लोग हमेशा मुझसे क्वेश्चन पूछते थे कि यार भाई ऑल्टो K10 कब आएगी, K10 का क्या K10 कभी आएगी, क्या K10 कभी लॉन्च होगी, उसका नया जनरेशन कभी आएगा। तो भाई अब इसका जवाब आ चुका है, 18 अगस्त को आपको नई वाली K10 देखने को मिलेगी, बिल्कुल चेंजेस के साथ, नया जनरेशन है, सब चीजें चेंज करी जाएगी, अंदर इसका इंटीरियर चेंज करा जाएगा, K10 का लुक यहाँ पे चेंज करा गया है, और जो अभी ऑल्टो 800 करंटली मार्केट में चल रही है उससे ये गाड़ी काफी बेहतर होने वाली है। सारी बातें मैं वीडियो में करने वाला हूं, तो भाई वीडियो को एंड तक आपको जरूर से देखना है। तो यहाँ पे ऑल्टो K10 TVC के शूट के लिए गई थी। टीवीसी का मतलब होता है टेलीविजन कमर्शियल, तो अपने ये जो टेलीविजन कमर्शियल वाली चीजें होती है जिसमें ये टेलीविजन में ये सब चीजें प्रमोट करते हैं, टीवी में जो एड्स आते हैं, उसके लिए शूट होने के लिए गई थी, और वहां ये गाड़ी स्पाइड हो गई। और गाड़ी स्पाइड होती है तो भाई साथ ही साथ जो वेरिएंट्स होते हैं ना उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, सब कुछ लीक हो जाती है। तो सारी बातें करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि चेंजेस क्या क्या हुए हैं। भाई यहाँ पर सबसे पहला चेंज हुआ है डायमेंशन में। अब जो मैं चेंजेस बता रहा हूँ ये मैं पुरानी वाली K10 से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, जो करंटली मार्केट में 800 चल रही है उससे मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो यहाँ पे नई वाली जो K10 आ रही है उसका यहाँ पर जो लेंथ है वो है 3530 mm, और जो अभी ऑल्टो चल रही है उसका है 3445 mm, और ये वाली जो K10 है ये है 85 mm यहाँ पर लॉन्गर। तो 85 mm आपको ये नई वाली 800 से जो अभी करंटली मार्केट में 800 चल रही है उससे आपको ये लंबी देखने को मिलेगी। अगर मैं विड्थ की बात करता हूं तो यहाँ पे एक चीज नेगेटिव हुई है कि जो अभी 800 मार्केट में चल रही है इससे ही थोड़ी कम चौड़ी है। जो यहाँ पे नई वाली जो K10 है इसका यहाँ पर जो विड्थ है वो है 1490 mm, और जो पुरानी वाली यहाँ पे 800 है जो चल रही मार्केट के अंदर इसका है 1515 mm। तो यार आपको कहना पड़ेगा कि नई वाली K10 25 mm यहाँ पर थोड़ी कम चौड़ी है, मतलब अंदर मुझे ऐसा लगता है कि यार तीन लोग जो पीछे हम सोच रहे थे कि बैठ सकते हैं वो नहीं बैठ पाएंगे, दो लोग ही कंफर्टेबल होकर बैठ पाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि लेंथ बढ़ गई तो व्हील बेस ऑब्वियसली बात है बढ़ेगा, बूट स्पेस बढ़ेगी। अब देखने वाली बात यह है किस तरीके से अरेंजमेंट करा गया है। अगर मैं हाइट की बात करता हूं तो यहां पर भी अच्छी बात हो गई है, क्योंकि यहां पर जो नई वाली K10 है उसकी हाइट दी गई है 1520 mm, और पुराने वाली की हाइट थी 1475 mm, तो कुल मिला के 45 mm की हाइट भी बढ़ाई गई है। तो लेंथ और हाइट दोनों में इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन जो विड्थ है जो चौड़ाई है उसमें यहाँ पे डिक्रीमेंट हुआ है। और सबसे भयंकर चीज भाई जो गाड़ी का कर्व वेट है वो निकल के आ रहा है यहाँ पर 1150 kg। अब मेरे को ये चीज कंफर्म नहीं है कि 1150 kg देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, कितनी सच बात है, लेकिन यार जहां से लीक निकल कर आई है वो कह रहे 1150 kg गाड़ी का वेट होने वाला है। अगर मैं आपको अभी जो मार्केट के अंदर 800 चल रही है उसका वेट बताऊं तो वहां पर उसका वेट है 762 kg, तो पूरा भाई 388 kg, लगभग 400 kg वेट ज्यादा है। तो यार ऐसा लग रहा है कि जो K10 आने वाली है उसके अंदर वेट भी काफी ज्यादा इंक्रीज करा गया है, जिसके वजह से जो बॉडी है वो तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं स्ट्रांग आपको मिलने वाली है। तो डायमेंशन और जो यहाँ पे वेट्स वगैरह है इसमें हमने अच्छे से बात कर ली, चेंजेस हुए हैं यहाँ पे। अगला जो यहाँ पे चेंज है वो है इंजन के अंदर, जो करंटली मार्केट के अंदर भी ऑल्टो 800 चल रही है, ये नाम से आपको पता चलता है कि भाई ये 800 सीसी के साथ आती है। इसमें जो इंजन यूज होता था वो है 0.8 लीटर का F8D नाम से यहाँ पे आपको इंजन देखने को मिलता है। अब जो नई वाली K10 आई है उसके अंदर आपको मिलेगा 1 लीटर का K10C पेट्रोल इंजन, जो कि आपको एस्प्रेसो के अंदर देखने को मिलता है, सिलेरियो के अंदर देखने को मिलता है, वैगनार के अंदर देखने को मिलता है, सेम इंजन आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, और ये ऑटोमेटिक के साथ भी आएगा। तो कितनी बढ़िया चीज है भाई, जिसको ऑल्टो ही लेनी है वो इसलिए नहीं लेता था क्योंकि यार वो गाड़ी ऑटोमेटिक में नहीं आती थी, तो अब ये गाड़ी ऑटोमेटिक में भी आपको देखने को मिलेगी, तो ये चीज काफी बढ़िया है। वेरिएंट्स की बात करता हूं, टोटल यहाँ पे 11 वेरिएंट्स है, कौन कौन से हैं नाम बता देता हूँ। स्टैंडर्ड आपको देखने को मिलेगा, फिर LXi, फिर उसका ऑप्शनल LXi ऑप्शनल, फिर VXi, VXi ऑप्शनल, VXi प्लस ऑप्शनल, बाकी इसमें ऑटोमेटिक वगैरह भी डाले जाएंगे। तो टोटल यहाँ पे 11 वेरिएंट्स निकलकर आ रखे हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात करता हूं तो यहाँ पर आपको सीट बेल्ट प्री टेंशनर देखने को मिलेगा, मतलब कि जब हम सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो वहां पर जो बीप बीप की आवाज करता है वो भी आपको देखने को मिलेगा, और ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर दोनों में आपको एयरबैग देखने को मिलेंगे। लेकिन ये ऐसा कह रहे हैं कि ये आपको सिर्फ ऑप्शनल में देखने को मिलेगा, जो इसके नॉर्मल वेरिएंट्स आएंगे उसमें ये सब चीजें देखने को नहीं मिलेगी। और इसका जो इंफोटेनमेंट है इसके अंदर आपको 7 इंच का टच स्क्रीन वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी इंफोटेनमेंट की, जो कि एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ आएगी, तो म्यूजिक क्वालिटी भी काफी अमेजिंग हो जाएगी, साथ साथ यहाँ पे एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले का सपोर्ट, तो भाई ये चीज तो नेक्स्ट लेवल है। तो कुल मिलाकर ये जो K10 आ रही है ये नई जनरेशन की K10 है, जिसके अंदर इंटीरियर नया डाला गया है, और यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक भी देखने को मिलेगा, जो कि पुरानी वाली K10 में भी देखने को नहीं मिलता था।
800 के टैंक लुक आपको सिमिलर देखने को मिलते थे पहले, वो भी यहाँ पर चेंज करेगा है। जो भी यहाँ पर जो कैमोफ्लेज करके यहाँ पर जो इमेजेस आई है उससे ये पता चलता है कि यार गाड़ी का जो लुक है लगभग लगभग सिलेरियो का देखने को मिलेगा। मैं ये चाहता हूँ भाई पूरी सिलेरियो ना दिखे, थोड़ा बहुत चेंजेस लगे और ऑल्टो का जो लुक है वो बरकरार रहे तो भाई मजा आने वाला है। आपका क्या कहना है भाई प्लीज कमेंट में जरूर से बताना। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, लाइक जरूर से करना। और जैसे जैसे इसकी लीक आती रहेगी मैं आपके यहाँ वीडियो लाती रहूंगा, और जिस दिन इसकी लॉन्चिंग है कोशिश करूंगा आपके लिए उसी दिन वीडियो ले आऊं। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जोर से दबा देना। मैं मिलता हूं आपको बहुत जल्दी से एक नई वीडियो के संग, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।